स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये देखिए, आप सब देख सकते हैं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकारी अस्पतालों में इस पद पर होगी नियुक्ति। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में नौकरी दी जाएगी। तो सरकारी अस्पतालों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को किस पद पर नौकरी दी जाएगी, कार्य क्या करना होगा, मानदेय कितना मिलेगा और यह नौकरी किस राज्य में निकली हुई है, किस राज्य की सरकार जो है समूह की महिलाओं को सरकारी अस्पताल में नौकरी दे रही है, तो पूरी जानकारी आज हम आप सबको इस वीडियो में विथ प्रूफ के साथ बताएंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो यहाँ पे दीदी आप सब देख सकती हैं, जीविका दीदीज विल बी अपॉइंटेड पटना। तो दीदी ये खबर जो है बिहार राज्य की है। बिहार राज्य की सरकार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नौकरी देने जा रही है सरकारी अस्पताल में। तो यहाँ पे देखिए, बिहार सरकार ने ये ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूह एसएचजी यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं जीविका दीदियों को सभी राजकीय मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में नियुक्त करने का फैसला किया है। ये महिलाएं रोगियों को साफ सफाई संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। यह प्रस्ताव राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा मंत्री परिषद के समक्ष लाया गया था। अतिरिक्त मुख्य सचिव कैबिनेट सचिवालय एवं सिद्धार्थ ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, इससे जीविका दीदियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, उन्हें इन सेवाओं के लिए उचित भुगतान किया जाएगा। तो यानी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सरकारी अस्पताल में नौकरी दी जाएगी और उनको वेतन भी दिया जाएगा। अब आगे आप सबको हम बता देते हैं, जिन दीदी को सरकारी अस्पताल में नौकरी दी जाएगी तो उनको कार्य क्या करना होगा, ये जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, राज्य में बेहतर एवं सुदृढ़ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने तथा रोगियों के लिए आवश्यक सुविधाओं को उत्तम बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में अब जिला सहित राज्य के सभी सदर अस्पताल या जिला अस्पतालों तथा अनुमंडल अस्पतालों में इंडोर मरीजों के वस्त्रों की आपूर्ति, अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ सफाई एवं वस्त्रों की धुलाई सेवा तथा सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में इंडोर मरीजों के लिए वस्त्रों की आपूर्ति, अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ सफाई का कार्य बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन समिति द्वारा संपोषित सामुदायिक संगठन जीविका के माध्यम से करवाया जाएगा। इस बाबत राज्य सरकार के संयुक्त सचिव सुधीर कुमार ने आदेश दिया। यानी सरकारी अस्पताल में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जो नौकरी दी जाएगी उनको यही कार्य करना होगा, अस्पताल भवनों एवं परिसर की साफ सफाई करना होगा और रोगियों की देखरेख करनी होगी, ठीक है। और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह नौकरी जो है ग्राम संगठन के माध्यम से ही दी जाएगी। तो इनका चयन कैसे किया जाएगा ये भी जान लीजिए। तो दीदी देखिए, स्वास्थ्य समिति से होगा जीविका का अनुबंध। तो देखिए दीदी, प्रत्येक ग्राम संगठन में स्वास्थ्य उप समिति बनाई जाती है। जो दीदियां स्वास्थ्य उप समिति के रूप में कार्य कर रही हैं उन दीदियों को इस नौकरी में प्रथम वरीयता दी जाएगी। तो देखिए, जारी पत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी सदर जिला अस्पतालों तथा अनुमंडल अस्पतालों में इंडोर मरीजों के उपचार अवधि के दौरान शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की व्यवस्था जीविका द्वारा संचालित दीदी की रसोई के माध्यम से कराई जा रही है। इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं, जिसे संज्ञान में लेते हुए अस्पतालों में साफ सफाई एवं वस्त्र आपूर्ति का कार्य जीविका को सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जीविका के साथ अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध के आधार पे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नौकरी दी जाएगी सरकारी अस्पतालों में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अस्पतालों की साफ सफाई में टॉयलेट प्रसाधन को छोड़कर, यानी टॉयलेट की साफ सफाई को छोड़कर अस्पताल के सभी भवन एवं पूरा परिसर शामिल होगा। 5 वर्षों का होगा अनुबंध। जारी पत्र में बताया गया है कि अनुबंध 5 वर्षों के लिए किया जाएगा। इस अवधि में विभाग द्वारा राज्य स्वास्थ्य समिति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं का नियमित अनुश्रवण, कार्य की गुणवत्ता एवं परिणाम का मूल्यांकन कराया जाएगा। प्राप्त सेवाएं मानक स्तर की पाए जाने पर इसमें 5-5 वर्षों
का अवधि विस्तार विभाग द्वारा किया जाएगा। यानी जिन दीदियों को सरकारी अस्पताल में नौकरी दी जाएगी तो पहले 5 वर्षों के लिए ही दी जाएगी और इनके कार्यों का मूल्यांकन किया जाएगा। अगर दीदी का कार्य अच्छा रहा, अच्छे से ये पूरे हॉस्पिटल की साफ सफाई कर रही हैं, अस्पताल के भवनों की साफ सफाई अच्छे से कर रही हैं और इनका कार्य जो है संतोषजनक पाया जाएगा तो इनके कार्य की अवधि बढ़ा दी जाएगी 5-5 वर्षों तक। इसी प्रकार से बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब जो दीदी अस्पताल में साफ सफाई का कार्य करेंगी उनको कितने घंटे कार्य करना होगा ये भी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं 24 घंटे कराई जाएगी साफ सफाई की सेवाएं। तो यहाँ पे देखिए जीविका द्वारा सभी अस्पतालों को साफ सफाई की सेवाएं अनिवार्य रूप से सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्रों की धुलाई की सेवाएं भी आवश्यकता अनुसार निर्बाध रखने की पूरी जिम्मेदारी जीविका की होगी। उक्त कार्यों के लिए आवश्यक स्थान, कमरा, बिजली, पानी तथा प्रसाधन की व्यवस्था सहित जीविका की संबंधित स्वास्थ्य संस्थान द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यानी पूरी व्यवस्था दी जाएगी और इनको जो है 24 घंटे कार्य करना होगा। तो दीदी बिहार राज्य में स्वयं सहायता समूह की दीदियों के लिए बहुत ही अच्छी नौकरी निकली हुई है। अस्पताल की साफ सफाई करने के लिए, मरीजों की देखरेख करने के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को नौकरी दी जा रही है। ये जो है बिहार राज्य सरकार की एक नई पहल है। इससे जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बन सकेंगी। तो दीदी आज की यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप सबको स्वयं सहायता समूह से संबंधित नई से नई जानकारी बराबर अपने इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।